राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन। आज की क्लास के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा के बारे में है, जो कि आज की टॉपिक होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। यहां से आपके विगत वर्षों के प्रश्न लाए हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक बार आप पढ़ के जरूर जाएं। देखिए दोस्तों, आपके पास कम समय बहुत ही बचा है। 18 सितंबर को आपका एग्जाम है टीटी का, यानी कि शिक्षक भर्ती का। साथ ही देखिए, आपको 12 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, यानी कि कल से आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। आप कल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही आपके पास 5 से 6 दिन बचे हैं, एक बार आप रिवाइज करके जरूर जाएं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता भर्ती के बारे में बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। रिवाइज क्वेश्चन देखिए, विगत वर्षों के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, एक बार वीडियो को अवश्य देख कर जाइए, क्या पता आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथ ही देखिए, जिसका एग्जाम के बारे में बात करें तो भर्ती परीक्षा के लिए, यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपका यानी कि सुबह, यानी कि पहली से लेकर पाँचवीं कक्षाओं के लिए सुबह प्रथम, यानी कि आपका 9:30 बजे से क्लास, मतलब 9:30 बजे से आपका एग्जाम होगा और साथ ही 12:15 तक खत्म हो जाएगा। और द्वितीय पाली की बात करें तो कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं कक्षाओं के लिए, यानी कि इसका एग्जाम आपका समय है इसका कि 2:00 से लेकर 4:45 तक रहेगा। तो चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। पहला है, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? तो जो अभूतपूर्व योगदान है आपका पियाजे से संबंधित है, ठीक है। विकास का जो अध्ययन होता है वो पियाजे के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था या किया गया था, ठीक है। तो थार्नडाइक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, थार्नडाइक प्रयास व त्रुटि अधिगम सिद्धांत, जो कि थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो कि आपका 18 सितंबर को CGTT का एग्ज़ाम है, साथ ही 12 तारीख को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि कल से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। जाके आप वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा है, डिसलेक्सिया संबंधित है, जो डिसलेक्सिया होता है वो पठन विकार से संबंधित है, किससे? पठन विकार से, ठीक है। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है CGTT में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, साथ ही आपका 30 नंबर हिंदी से प्रश्न रहेगा, ठीक है। यानी कि टोटल आपको दोनों मिलाकर 50 MCQ कराने वाले हैं, 10 जो बचेगा MCQ वो कल के पार्ट 2 में मिल जाएगा। डेली आपको क्लासेस करने के लिए 5 से 6 दिन आपके बचे हैं, एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को क्या होना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा की किंडर यानी कि गार्डन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्रोबेल ने किया था। किसने किया था, एक बार साथ में दोहराइएगा, फ्रोबेल ने किया था। इसका PDF पाने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब और एक बार लाइक करके रख लें, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करके रख लें, ठीक है। चलिए, एक अभिभावक आपके विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो क्या होगा? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, क्या होगा? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ना कि आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ना ही अभिभावक को लिखेंगे, ना ही बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? एक अभिभावक आपके विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु के नाम से जाना जाता है, जीवन का अनोखा काल के नाम से जाना जाता है, बक्किक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आपको उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? तो अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की जो आयु होती है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक किस अवस्था की होती है? तो ये किशोर अवस्था होती है। तो कितने साल की होती है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जो किशोर अवस्था होता है वो कितने उम्र में होता है, जो शैशवावस्था होता है वो कितने उम्र में होता है, ये भी आप कमेंट में बताएं, ठीक है।
चलिए, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? जो नवजात शिशु का भार होता है 9 पाउंड होता है, ठीक है। तो 1 पाउंड मतलब कितना होता है, चलिए बताइए 1 पाउंड मतलब आपका कितना होता है, कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। तो 9 पाउंड होगा एक नवजात शिशु का भार, ठीक है। सीखना विकास की प्रक्रिया है या किसका कथन है? तो ये वुडवर्ड का कथन है, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 5 से 6 दिन बचे हैं, एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर जाएं, ठीक है। सीखना विकास की जो प्रक्रिया है वुडवर्ड की है। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जो चिंतन का सबसे बड़ी पहचान होती है वो समस्या का समाधान है। क्या है? समस्या का समाधान, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, समस्या का समाधान है चिंतन की सबसे बड़ी पहचान, ठीक है। बालक का विकास परिणाम क्या है? बालक का जो विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम वातावरण की अंतक्रिया का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो मानसिक विकास होता है उसको क्या क्या प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति। तो ये तीनों ही आपका आंसर होगा जो कि मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शिक्षक और विद्यार्थी, ये शिक्षक है ना, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध क्या होना चाहिए? तो स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, ये सभी आपका संबंध होना चाहिए। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सबसे होता है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, ठीक है। जन्म के समय बालक के हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की जो हड्डी होती है 270 होती है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही दिया गया है, व्यापम द्वारा यही लिया है, ठीक है। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या, तो वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है आप कमेंट में जरूर बताएं। 206 हड्डी होती है, 306 हड्डी होती है या 406 हड्डियाँ होती है आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। वे कौन सा बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? तो आपका हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण, ठीक है। संस्कृति और प्रशिक्षण, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है 100 शब्द, शिशु का जो भंडार होता है 100 शब्द होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? वो बाल्यावस्था में होता है। देखिए टेस्ट चल रहा है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, 50 टेस्ट सीरीज के क्लासेस हैं, ठीक है। TGCE के यानी कि बाल शिक्षा शास्त्र, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। उसके बाद आपका हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 50 MCQ करा जा रहा है, एक बार वीडियो को अवश्य देख कर जाइए, यहाँ से आपके क्या पता कि ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सके। चलिए नेक्स्ट है शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता क्या नहीं है? जो शैशवावस्था होता है इसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति की तीव्रता या चिंतन की प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की। तो आप इसका कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं। जो लोग बच्चे वीडियो में जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक करके रख लें, ठीक है। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समापन होना कहलाता है, सीखने का वक्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? सीखने का वक्र कहलाता है। आप सभी के लिए फ्री कोर्सेस है, डेली आपको कराया जा रहा है। इसके बाद आपका हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक, ADO या अमीन पटवारी, आने वाले एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर कराया जा रहा है। जिन लोगों को तैयारी करना है जाके वहाँ जुड़ जाइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है फ्री क्लासेस करा रहे हैं ना, बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक क्या है? एक स्वयं को समझने की प्रक्रिया होती है शिक्षा का मनोविज्ञान, ठीक है। तुम मुझे एक बालक दो मैं उसे डॉक्टर या वकील अध्यापक कुछ भी बना दूंगा, यह कथन किसका है? यह वाटसन का है। किसका है? वाटसन का। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो में कि देखिए अपलोड कर दिया गया है पहला वीडियो, ये सेकंड क्लास का था, ठीक है, पहला। साथ ही देखिए एग्जाम दिलाने से पहले एक बार इसे जरूर देख कर जाएं। संज्ञात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास, ठीक है, अभियोग्यता का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं होता वो सामाजिकता का होता है, ठीक है। चलिए निम्न में सज्जनात अभिप्रेरक नहीं है, देखिए जनजात अभिप्रेरक नहीं है तो सुरक्षा का है, ठीक है, किससे है? सुरक्षा का।
निम्न में से कौन बच्चे सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो देखिए सामाजिक विकास को कौन सा प्रभावित नहीं करता, आपसे ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, सामाजिक को क्या प्रभावित करता है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर, क्या प्रभावित करता है बच्चे के सामाजिक विकास को, ठीक है। उसके बाद 29 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता। तो सीखने की ओर प्रश्न पूछना, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सीखने की ओर संकेत नहीं कर रहे, जबकि तर्क करना, जांच पड़ताल करना, अनुकरण करना, ये बिल्कुल सही होगा। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो ये आपका उपयुक्त सभी होगा, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, सामाजिक मानव के लिए, जो कि निगमन विधि का प्रयोग सभी विषय के लिए होता है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, और उसके बाद अब पैथोलॉजी का प्रैक्टिस सेट रहेगा हिंदी से, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट है ये। चलिए पहला है आपका, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। जन्म से विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल राइट। चलिए मस्तक धोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस अंग का होता है, तो इसका आंसर भी विकास से होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, विकास से होता है। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं, तो लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स वाई होता है। लड़का पैदा होने के लिए एक्स और वाई का होना जरूरी है। देखिए अब इसको पूरा ध्यान से समझिएगा, यह गुणसूत्र को, लड़का पैदा होने के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं, जबकि मानव में सामान्यतः 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र, जिसमें 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र महिलाओं और पुरुष के समान होते हैं, लेकिन 23 जोड़े यानी कि 93 अर्थात 45 और 46 दोनों भिन्न अलग अलग होते हैं। यह महिलाओं में एक से एक से तथा पुरुष में एक से वाई होता है। इस गुणसूत्र के कारण मानव में लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन जैव और अजैव है, जो प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, तो सीखने में सम्मिलित नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा आपका सी, खल, ठीक है, ऑप्शन सी, खल होगा। सहसा अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था क्या कहलाता है, तो आप सभी को बताएं प्रमुख अवस्था क्या कहलाता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रथम, सहसा अवस्था मानव का जो विकास होता है प्रमुख, वो प्रथम में ही होता है, कौन सा आएगा, प्रथम में, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, बालक की जो अवस्था होती है कौन से नींव में पड़ती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सहसा अवस्था, ठीक है, सहसा अवस्था में होती, एक मिनट ना, सहसा अवस्था नहीं है, सी है, बचपना अवस्था है ना, बचपना अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार, ठीक है, संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है, पहला है 4 भाग, 3 भाग और 2 भाग में, डी 5, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 भागों में, ठीक है, 5 भागों में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नौवां है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु का अनुकरण करता है, तो शब्दों का, शिशु का जो अनुकरण होता है वो शब्दों का करता है, किसे करता है, शब्दों का अनुकरण करता है। चलिए इसके बाद मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि होता है आपका पीयूष ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि के जो आप नाम से जानते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है आपका परिवार होता है, ठीक है, परिवार, ठीक है, कौन बोल रहा है भाई, विद्यालय है। देखिए जो बालक छोटा होता है ना, परिवार में ही उसको सिखाया जाता है, माता पिता उसको कुछ कुछ शब्द छोटा मोटा टुकड़ा सा उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। तो बालक का पहला पाठशाला माता पिता होता है यानी कि परिवार होता है, ठीक है। बालक का सामाजिक विकास का प्रभावित होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी, इनमें सभी होगा, सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सृजनात्मक की पहचान होती है, सृजनात्मक की पहचान किससे होती है, ये आपका क्वेश्चन है, तो पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, या संगीत से, या नवीन परिणाम से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नवीन परिणाम से, ठीक है। हम करके सीखते हैं किसने कहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, सिम्पसन ने किया था, किसने किया था, सिम्पसन ने किया था।
समस्या बालक है, क्या है समस्या बालक है, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता कहना न मानने वाला, ये तो समस्या ही है ना भाई, ये तो सभी आंसर आएगा, इनमें से सभी है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, विद्यालय पर, परिवार पर, सामुदायिक पर, ठीक है, बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य निर्भर है, ठीक। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है किससे दी जाती है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है किससे दी जाती है, जल्दी बताइए, सामान्य बालक, पिछड़े वर्ग बालक, मंद बुद्धि या परिवार की बुद्धि बालक, क्या आएगा इसका आंसर, बी पिछले बालक को, ठीक है पिछड़े बालक को। चलिए निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। निरीक्षण विधि देखिए दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करना कहलाता है, क्या कहलाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का प्रयोग क्या होता है, व्यापक शब्द का प्रयोग क्या है, क्या होता है, जल्दी बताइए। देखिए संज्ञात्मक, सह संज्ञात्मक, सी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो सतत विकास मूल्यांकन में संज्ञात्मक और सह संज्ञात्मक होना जरूरी है, यानी कि ए और बी आपका दोनों राइट है आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यानी कि टोटल आपका 50 MCQ हो चुका है, 30 पहले आपको कराया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, अब यहाँ आपका हिंदी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है, यानी कि टोटल आपका 20 और टोटल करके 50 MCQ हो चुका है। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न से किसके लिए किया जाता है, तो आपका दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, काफ़ी पसंद आता हो, तो वीडियो को क्या करोगे, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि अधिक स्टूडेंट परीक्षा देने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख कर जाएंगे। साथ ही अगर यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।